ये दस्तक है सर्दियों की, आराम से मजे लेके खा रही है। कर नहीं आते, आप एग्री करते हैं इस बात पे? शालू जी का ट्रायल में ऐसे हमारे साथ है, कम लेना ही उन्हें ही कर। अरे मुझे कोई आईडिया नहीं। अच्छा तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो नया दिन नई शुरुआत, तो नए दिन पर सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइज एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है और दिन क्या स्टार्ट हुआ है बताना चाहूँगा कि एक या दो दिन से मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली NCR में ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये दस्तक है सर्दियों की, तो बहुत अच्छा है यार। और अभी शालू कुछ प्रिपेयर कर रही है, मेरे ख्याल से आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। और जो फीलिंग शालू करती है वैसी फीलिंग तो आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने खाया है वहाँ ऐसी फीलिंग मिली नहीं मुझे। तो बाहर का वेदर कमाल है यार, कुछ कहीं जाने का प्लान करते हैं। शालू से पूछता हूँ कि शालू ने कहीं जाना है कोई सामान लेने, वैसे ही घूम के आ जाते हैं यार, मौसम इतना अच्छा है। और उससे पहले हम पराठे खाएंगे, चलिए देखते हैं। टेस्टी पराठे, देख के ही मुंह में पानी ही पानी आ गया है। शालू ये तो कमाल ही करती है यार, शालू तो परफेक्ट है ही सब में। और ये वैसे पराठे बनते हैं जैसे मम्मी बनाती थी, वाह कमाल। लो जी मेरा आलू का पराठा आ चुका है, जिसके लिए मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। देर का मतलब ये था जो शालू की रेसिपी है वो सबसे अलग है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मम्मी भी कितने आराम से मजे लेके खा रही है। शालू को बिल्कुल हैट्स ऑफ है, शालू के जैसा कोई भी नहीं, शालू जैसा कोई नहीं। तो मैं कोई नहीं, मैं ये रेसिपी सबको बताऊंगी। हाँ सबको बताएगी शालू। और मैं टेस्टी टेस्टी ये पराठा, डिलीशियस पराठा ट्राई करता हूँ। मैं भी खा लेती हूँ। शालू भी खा लेती है, ठीक है। तो खाने के बाद फिर आपसे कनेक्ट करते हैं और आगे का क्या प्लान है, कैसा डे जाने वाला है वो भी सब आपके साथ ही शेयर होगा, बिकॉज आप ही फैमिली है, आप ही प्यार देने वाले हैं। खाते हैं, चलो खाओ और बताओ कैसा है। मैं नहीं रुका जाता भैया, खाओ आप, खाइए पहली बाइट। कैसा है? ब्रेकफास्ट हो चुका है और उसके बाद में कुछ काम में लग गया था तो टाइम ही नहीं मिला यार मुझे शूट करने का। तो मैंने कहा यार चलते हैं आप कुछ करते हैं। और लंच का टाइम हो चुका है तो घर वालों की फरमाइश है कि यहाँ पास में ही बहुत ही पॉपुलर और फेमस और बहुत ही डिलीशियस पूड़ी वाला है, तो वो लेकर आओ, आज वो खाएंगे। तो मुझे बता दिया शरण ने कि कहाँ एग्जैक्टली मिलता है, कहाँ है उसके बाहर, तो वहाँ चलते हैं, वो लेकर आते हैं और देखते हैं यार कितना पॉपुलर है और क्या टेस्ट है। तो चलिए पहले चलते हैं। ये देखिए यार क्राउड देख सकते हैं आप, वाकई में राकेश रोशन की पूड़ी कमाल हो गया यार, इसे कहते हैं दीवानगी लोगों की। खाओ तो जी भर के खाओ। शालू रेडी हो चुकी है, शालू कह रही थी मुझे कहीं बाहर जाना है कुछ लेने के लिए, तो चलते हैं यार बाहर। अब मालकिन की तो माननी पड़ेगी ना, तो चलते हैं यार अभी बाहर, बाहर का दिखाते हैं आपको। हम कहीं जा रहे हैं इसको पता चल चुका है यार, हाउ स्मार्ट शी इज यार, मुझ पे गई है ना। देख लो शालू के साथ तो, शालू की तो मोस्ट डियरेस्ट है। हाँ इसको छोड़ के आओ मम्मी के बाद। तो चलते हैं यार मार्केट और शालू ये रही स्टार्ट करते हैं अपना ब्लैक पैंथर। चलिए
शालू की शॉपिंग हो गई है स्टार्ट। पतंजलि ने चारकोल फेस वॉश भी निकाल लिया। अच्छा वैसे चारकोल मैं यूज़ करता हूँ बट वो मैं डिफरेंट ब्रांड का यूज़ करता हूँ, तो उसको लेके देखें एक बार या पहले वो ख़त्म होते हैं। बट यार एक चीज़ फैक्ट है, आप जो डिसाइड करके आते हो ना, जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हो या मॉल में आते हो, तो आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आपको इतनी सारी चीज़ें दिख जाती हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो वो भी ले लो, और लास्ट में ये पता चलता है कि जो चीज़ आप लेने जाते हो वो ही लेकर नहीं आते। आप एग्री करते हैं इस बात पे शालू जी? बिल्कुल। हाँ, शॉपिंग वाला टास्क ना बहुत ही बुरा लगता है यार, मैं बहुत बुरा हूँ शॉपिंग में यार। अब बता नहीं सकता ना शालू को, उन्हें तो गुस्सा हो जाएगी, उसे करने दो, मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ आपकी चॉइस का क्या लिया अभी तक? अच्छा अभी तक एक कंटेनर ले चुके हैं, चलो अभी और चलेगा, जो यूज़फुल हो ना वही लेना बेटा, बाद में आके फिर ले लेंगे, एक्स्ट्रा की क्या नीड है। क्या ले रहे हो? देख रहे हैं, अपने काम पे लगा दिए, ड्यूटी पे लगा दिए। देखो देखो कुछ घर का सामान लो। चीज लेना है वो चीज अभी तक मुझे दिख नहीं रही, अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है। 2023 एक्सपायरी डेट देख लो। 6 months आर रिमेनिंग। 6 months? 6 months रिमेनिंग। हाँ काफी तो खत्म हो जाएगा। जो एक्सपायरी हो भी जाएगा तो एक बार मैं ट्राई कर लूँगा, कुछ नहीं होता। हाँ, जरूर राखी साइयां मार सके ना कोई। बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छी बात करी। चलो करो यार, मत ट्राई करना बिल्कुल भी, बी केयरफुल। यस यू आर राइट। क्या कह रहे हो? जब भी आप कुछ लें तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करिए, जो पैकेजड होता है एक्सपायरी डेट ना ही होता है। आओ उधर देखते हैं, इसके बिस्किट्स भी अच्छे होते हैं, ये वाला ये अच्छा होता है। देख लो यार, मैं तो ज़्यादा खाता नहीं, ये ट्राई करूँ? ले लो अगर आपको लेना है तो, मैं तो ज़्यादा खाता नहीं। ये देखते हैं, ले लो, ट्राई कर लूँगी, सब कुछ ट्राई कर रही मैं बेटा। ट्रायल में ऐसे हमारे पास है कम, उतनी चीज़ें लो जितना है हमारे पास दम। चलो आप करूँ क्या ये वाली? ये सब जरूरत का सामान है, इनसे कहूँगा एक एक बोरी उठवा ले मुझसे और हमें माफ कर दे। अरे चलो आप, ऐसा कहर किसी पर ना आए, जो सामान लेने आए हो, हर पत्नी को यही है मेरे हाथ जोड़ के, जो सामान लेने आए तो एक दो ऊपर कर लीजिए, ऐसा मत कीजिए कि 15-20 आइटम ऊपर कर लें। कुछ नहीं है ये, इस थोड़ा सा ही सामान लिया है। चलो एक एलोवेरा जेल लास्ट आइटम रह गया मेरा, वो लेके फिर चलते हैं पक्का। ठीक है, आपको तो लास्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। भैया जब पैसे मांगेंगे, भैया पैसे मांगेंगे तो कौन देगा पैसे? मैं तो आप चलो दुकान लो, एक किलो घी लेके जाते हैं, इतना सारा सामान सोच के तो आप आए थे, 2 या 3 आइटम लेनी है बस, और 5 मिनट वापस चलेंगे, ऑलमोस्ट वाला हो गया। ठीक है, बस 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 बस, तेरा बाइट करना स्टार्ट हो गया है। अरे बस बस, खाना दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। उससे पहले दिखाए थे कि उससे पहले यहाँ से बोल के निकले थे कि 5 या मैक्सिमम 10 मिनट में वापस आ रहे हैं, और 2 से 3 ही आइटम लेनी है, 3 से ज्यादा नहीं लेनी। मैंने कहा ठीक है, सारा सामान नहीं है, ये इनको लग रहा है ये सारा मैंडेटरी सामान है। देखो मैंडेटरी तो है बट यार बताओ भी तो सही यार, मुझे पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल काफी लोग एग्री करेंगे, स्पेशली जो हाउसवाइफ है वो। बिल्कुल करेंगी, बट जिसने स्पेंड करना है मनी उसको भी तो पता होना चाहिए, पता चल रहा है सामान आ रहा है इतने का, आप लेके जा रहे हो 50%। ये सारा दिखाओ, सब मैंडेटरी सामान। ये देखिए जरा सामान, ये आपको 2-3 आइटम तो मेरे ख्याल से नहीं लग रही होंगी, बस ये लग रही है, बस मेरा यही सारा सामान। अरे ये आपके लिए नहीं है, ये देख रहे हो यार इसको? अच्छा? ये देख रहे हो इसकी एक्साइटमेंट देख लो। आप खाओगे? अरे आपका फूड नहीं है ये, आप खाओगे? ओ मेरा बच्चा, ये देख लो यार, शी सो क्यूट यार, सो एक्टिव, मेरा बच्चा। अरे खाओगे? नूडल्स खाओगे? सब खाना है आपको, तभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये देख लो यार, सो क्यूट चीज, मेरा बच्चा, इसको खाना देना पड़ेगा यार, ये तो मुझे ही बाइट कर रही है। अच्छा जी, ये देख, क्या बात है, मेरे मतलब का कुछ है या नहीं है? देखो मैं खाना देती हूं ना, अभी इसको खाना, मेरे मतलब का कुछ भी नहीं है। खाना दे दूं? खाना दूं इसको, और मुझे भी भूख लग रही है, और वैसे बना क्या जा रहा है आज, क्या बन रहा है?
मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, तो अभी तक आइडिया भी नहीं है। कोई आइडिया नहीं कि क्या। मम्मी अभी किचन में कुछ मेरे ख्याल से बनाएंगी। इधर आ जा। अरे आराम से। अच्छा, मम्मी कह रही है अभी मैं कुछ बनाऊंगी खाना। वो देखो, उसने बलून फोड़ दिया। नहीं नहीं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। एडोरा एडोरा, ये नहीं खाना मेरे बच्चे, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ठीक है, खाना खा लिया ना आपने? तो गाइज, एडोरा का भी खाना हो चुका है, हमारा भी खाना हो चुका है, तो ये टाइम है गुड नाइट करने का। उससे पहले जिन लोगों ने भी हमारी वीडियो नहीं देखी, व्लॉग नहीं देखे, जाके प्रॉपर देखिए, एंड तक देखिए और अपना प्यार दीजिए। वीडियो को एंड तक ही देखना, तभी आपको मज़ा आएगा और समझ भी आएगा। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी प्लीज़ जाइए देखिए और अपना प्यार दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शबा खैर। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। डू लव एंड स्प्रेड लव। गुड नाइट।